क्वेश्चन नंबर 23 प्रूव दैट द कर्व्स एक्स इक्वल वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इज इक्वल टू 1। दो कर्व है हम लोग के पास एक्स इक्वल वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये दोनों परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रहा है, ये दिखाना है, एक कंडीशन है 8k² इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग यूज करेंगे। कर्व कट एट राइट एंगल्स, इसका मतलब है इन दोनों का वो इंटरसेक्शन पॉइंट में जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर दिखाना है। ओके सपोज दी ये कर्व और ये कर्व इस पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, और इसी पॉइंट में अगर ये दोनों कर्व का ऊपर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं, अभी इस कर्व का ये वाला टेंजेंट है और ये एक्स वाई कल के कर्व का ये टेंजेंट है, अगर ये दोनों टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो कर्व दोनों कट राइट एंगल्स प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, मतलब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर दिखाना है तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखाना है। ठीक है, तो क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसीलिए इसका जो कर्व का इक्वेशन एक्स इक्वल वाई स्क्वायर है, इसी से अगर dy बाई dx निकालते हैं एट दिस पॉइंट तो इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो फिर इसी तरीके से इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें और dy बाई dx इज एट दिस पॉइंट निकालते हैं तो इसका स्लोप मिल जाएगा, तो वो दोनों इंटू करके हम लोग को दिखाना है -1, तब ये परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर मतलब कर्व ऑटोमेटिकली इंटरसेक्ट होगा परपेंडिकुलरली, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीडिंग है ये आउटलाइन में बता दिया आपको, अब करके देखते हैं क्या करना है। पहले हम लोग ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस। ओके, हियर द गिवन कर्व्स आर एक्स इक्वल वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये दोनों गिवन कर्व्स है, और इसमें पुटिंग एक्स इक्वल वाई स्क्वायर इन द अदर इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स इक्वल वाई स्क्वायर उठाया और इसी एक्स को इस एक्स में पुट कर देते हैं, तो मतलब वाई स्क्वायर पुट होगा ये। ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के व्हिच इम्प्लाइज वाई क्यूब इज इक्वल टू के व्हिच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल के टू द पावर 1/3। अगर y इज इक्वल के टू डी पावर 1/3 होता है तो x इज इक्वल क्या होगा, y में आप जस्ट के टू डी पावर 1/3 पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा के टू डी पावर a स्क्वायर है ना, इसके साथ इंटू करने से आपको 2/3 मिल जाएगा। सो दिस वन के टू डी पावर 2/3 इज द वैल्यू ऑफ x, x कोऑर्डिनेट k टू डी पावर 2/3, y कोऑर्डिनेट k टू डी पावर 1/3, मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। ठीक है, सो योर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन कर्व्स इज दिस वन, k टू डी पावर 2/3, k टू डी पावर 1/3, एट दिस पॉइंट वी विल फाइंड आउट dy बाय dx फॉर दिस टू टेंजेंट्स। फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग x इक्वल y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये पुट करेंगे। ठीक है, सो एक्स इक्वल वाई स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2y dy बाई dx और x का 1। ओके, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2y होगा दिस वन, और इसमें y के टू डी पावर 1/3 पुट करने से आपको dy बाई dx एट दिस पॉइंट स्लोप देगा, कौन सा टेंजेंट का, ये एक्स इक्वल वाई स्क्वायर ये कर्व है और ये कर्व में ये टेंजेंट ड्रॉ किया था, तो इसका स्लोप आपको मिल जाएगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। राइट, अगेन डिफरेंशिएटिंग एक्स वाई इज इक्वल टू के विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये कर्व को, ऐसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके ये डिफरेंशिएशन होगा, सो dy बाई dx इक्वल माइनस वाई बाई एक्स। अब ये dy बाई dx एट दिस पॉइंट वो भी आपको निकालना है। देखिए, ये द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स इक्वल वाई स्क्वायर एट के टू डी पावर 2/3 के टू डी पावर 1/3 इज दिस वन, 1/2 वाई आपको मिला था, वाई में के टू डी पावर 1/3 आ गया। नेक्स्ट
स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, सेकेंड कर्व में जो टेंजेंट ड्रॉ किया था उसका स्लोप एट दिस पॉइंट ये होगा, क्या था, वाई बाय एक्स था ना, तो एक्स नीचे आ रहा है, ऊपर में के टू द पावर 1/3 कैंसिल होकर आपको ये मिलेगा, माइनस तो था ही, तो दोनों टेंजेंट का आपको स्लोप मिल रहा है ये एंड ये, और स्लोप अगर मिल गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, आपको माइनस वन होना चाहिए, इंटू करते हैं करके ये मिलेगा, सो 1/2 के टू द पावर 2/3 होगा, ठीक है ना, ये माइनस अपना माइनस ये है, ठीक है, 1/2 के टू द पावर 2/3। अब 8k² इज इक्वल, ये जो कंडीशन था उसको अभी भी यूज नहीं हुआ है, तो k का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, करेक्ट, गिवेन दैट 8k² इज इक्वल टू 1, 8k² इज इक्वल टू 1, k² इज इक्वल टू 1/8 देगा, आपको चाहिए k टू द पावर 2/3, तो 1/3 दोनों तरफ लगा देते हैं, ठीक है, तो 2/3 होगा ये 1/3 लगा देने से, और यहाँ पे हाफ क्यूब और 1/3 कैंसिल होकर हाफ बचेगा, सो k टू द पावर 2/3 इज इक्वल हाफ, इसमें आप हाफ अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2.5 कैंसिल होके 1 रहेगा, लाइक दिस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली -1, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स, राइट, तो ये स्लोप था इन दोनों का प्रोडक्ट आपको -1 दे रहा है, दैट मींस दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर मतलब कर्व्स इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, व्हिच shows that the two given curves cut at right angles. Clear? Okay. Thank you.